तो साथियों मैं बता दूं, अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में है, जहां पे गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम ऐसी चीजें हमें देखने को मिली, जिसमें से एक ऐसी चीज मुझे अनोखी देखने को मिली जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गोरखपुर महोत्सव में काफी चीजें थी जो मैंने देखा, और कुछ ऐसी भी चीजें थी जो मैं नहीं देखा था, और मैं एक ऐसी चीज आपको दिखाऊंगा जो काफी यूनिक है। आप आइए हमारे साथ, हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये देख पा रहे हैं कि ये बड़ा ट्रैक्टर है, और इसी के साथ आपको यहाँ पे छोटा ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। ये मिनी ट्रैक्टर कह सकते हैं। मैं बता दूं, अगर छोटा खेत है आपका, छोटा प्लाट है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ये देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा पहले ये देखने में लग रहा है, और ये चाचा जी हैं जो इसकी खासियत को हमें बताएंगे। चाचा जी, क्या इसकी खासियत है और क्या यूनिक चीज इसमें बड़ी गाड़ियों से देखने को मिलेगा लोगों को? सर, प्रथम हम देखते हैं कि ये छोटी ट्रैक्टर है। छोटे यहाँ के कृषक अधिकांशतः बहुत बड़े नहीं होते हैं, सीमांत कृषक होते हैं। जी जी, जिनके खेत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है, और कल्टीवेशन के लिए सबसे आवश्यक है कि जगह जगह पर ये इजिली ये घूम जाता है, और ये बड़े ट्रैक्टर के लिए बहुत बड़ा स्पेयर चाहिए। स्पेयर चाहिए, हाँ। दादाजी का कहने का तात्पर्य है कि सीमांत खेती वाले जो लोग हैं, उनके पास जैसे कि बहुत पैसा न हो पाने की वजह से भी ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम पैसा है, आपके पास सीमित खेत है, 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा, तो उन लोगों के लिए ये मशीन जो है बनाया गया है। तो इसकी प्राइस क्या है चाचा जी? इसकी प्राइस इस समय 6 लाख। अच्छा, मात्र 6 लाख रुपए रखी गई है जी। तो आप देख पा रहे हैं कि मात्र 6 लाख में ट्रैक्टर आपके घर पे पहुंच जाएगा। 6 लाख रुपए, इसकी क्या क्या और चीजें, थोड़ा सा और आइए, थोड़ा सा हम बैठ करके दिखाते हैं। ऐसे आप बैठिए, किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में ड्राइवर लग रहा है चाचा। फसल लगाने के पहले इसके पास में होगी वो सेल्फ उठाई। तो देखिए, ये स्टीयरिंग है और ये क्लच है, ये गियर है, मतलब जो बड़ी गाड़ियों में जो फ्यूचर आपको देखने को मिलता है, वो सारे फ्यूचर जो है वो आपको इस मिनी ट्रैक्टर में देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में किसानों के लिए जीवन को सुनिश्चित किया है। अरे, थोड़ा सा चाहेंगे कि पहले घुमा करके पूरी तरीके से इसको दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ट्रैक्टर है, और बड़े ट्रैक्टर में जो खासियत होती है, वो सारी खासियत जो है इस मिनी ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो चाचा जी, दौरी और सब हो जाएगा इसमें? दौरी और सब हो जाएगा, भूसा उसा सब एकदम काटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे पैमाने पे काटेगा, लेकिन जो है कृषकों का जो कार्य है वो पूरा करने वाला है। खास करके ये बागवानी के लिए, फूल वगैरह के लिए, केले की खेती के लिए। अच्छा, फूल वगैरह के लिए इसमें क्या प्रयोग आएगा इसका? फूल के लिए छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको आसानी से प्लाव कर देगा, आसानी से जोतने के लिए, हाँ, आसानी से जोत देगा, उसको पैरेलल कर देगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे जो प्लाट होते हैं, जहाँ पे बड़ा ट्रैक्टर नहीं पहुँच पाता है, छोटा ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, उसी को देखते हुए इंजीनियर्स महोदय ने इस मिनी ट्रैक्टर का जो आविष्कार है वो किया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मिनी ट्रैक्टर के विषय में, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान न्यूज़।